दागी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त सुप्रीम कोर्ट, लंबे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बेहाल और केरल के सभी जिलों में विशेष अदालत के गठन का निर्देश। 14 दिसंबर तक केरल और पटना हाईकोर्ट से मांगे रिपोर्ट। राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर तीखा हमला, कहा कांग्रेस की गलतियों को आज भी भुगत रहा है देश। शिखर और जयपुर में भी करेंगे जनसभाएं, राहुल का बीजेपी पर पलटवार, किसानों की अनदेखी का लगाया आरोप। पूरी आन बान और शान के साथ मनाया जा रहा है नौसेना दिवस। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात सैनियों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर तीनों सेना प्रमुखों ने वीर सपूतों को किया नमन। फुटबॉल की दुनिया को मिला नया बादशाह, रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ लुका मॉड्रिक ने जीता बेला डी ओर अवार्ड। ट्रॉफी जीतने वाले बने पहले क्रोशियाई खिलाड़ी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नारकोटिक्स तस्करी को भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए बताया बड़ी चुनौती। राजस्व खुफिया महानिदेशालय के 61वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा पड़ोसी देशों से आतंकी खतरों के मद्देनजर हथियारों की तस्करी पर नजर रखने की जरूरत। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।